हेलो फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ आईसीएसई से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है और कहां इनका यूज किया जाता है। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं तो पक्की बात हम बात कर रहे हैं राइट ट्राइंगल की। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बात कर रहे हैं राइट ट्राइंगल की। तो मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, जिसको एंगल बी पर रखा मैंने 90 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल सी ये दो एक्यूट एंगल है, तो किसी एक को आप लेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने सी को लेट कर लिया थीटा, ये एंगल को डिनोट करने का तरीका है जिसको हम थीटा बोलते हैं। यहां इस एंगल सी को आप एंगल सी बोल सकते हैं, थीटा लिख के बोल सकते हैं, कोई और एंगल डालना चाहे, इसे लैम्डा डालना चाहे, एक्स डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्यूट एंगल आपने लिया है उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो ये जो आपने थीटा लिया है उसके ऑपोजिट क्या होगी साइड, वो हो गई परपेंडिकुलर। जो राइट एंगल है उसके सामने क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई साइड वो क्या हो गई, बेस। एक राइट ट्रायंगल में आपके पास तीन चीजें हैं, क्या एक है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, और किसी भी दो साइड के, जी हां ध्यान रखिएगा, किसी भी दो साइड के रेशियो को एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बताया जाता है। वो बताता हूं कैसे। अब कितने तरह के रेशियोज होते हैं पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन का रिवर्स जिसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कॉस का रिवर्स जिसको बोलते हैं सेक थीटा, और टेन का रिवर्स जिसको बोलते हैं कॉट थीटा। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस राइट ट्राइंगल की कौन सी दो साइड का रेशियो बता रही है उसका भी निमोनिक है याद रखने का, मतलब तरीका है याद रखने का। और वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। याद रखने का तरीका समझिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, याद रखने का तरीका फिर से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी तोले देखो क्या चीज है, सोने का एस ले लो साइन थीटा, देखो इस साइन थीटा की बात कर रहा हूं, इस चांदी का सी ले लो कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की बात कर रहा हूं, और तोले का टी ले लो टेन थीटा, इस टेन थीटा की बात कर रहा हूं। तो ये साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। एंड व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एबी, एंड व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एसी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर कर दी जाए तो डायरेक्टली किसका रेशियो है, यह है साइन थीटा का। ठीक है, चलिए कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, चेक करो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज चेक करो एसी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कॉस थीटा बोलते हैं। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ये मेन अगर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है तो ये तीन तो जस्ट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्स है। वो कैसे, कोसेक साइन थीटा का रिवर्स है, मतलब पलट दीजिए ए सी बाय ए बी, या कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रिवर्स है, पलट दीजिए वो क्या हो गया फिर ए सी बाय बी सी, ये कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का रिवर्स, तो पलट दीजिए ये हो गया बी सी बाय ए बी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि ये छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस गिवन राइट ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो को ही बोलते हैं। अब चलिए अपने चैप्टर की एक्सरसाइज 17 स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। एक राइट ट्राइंगल दिया है, दो साइड दिए हैं, तीसरे मैं निकाल लूंगा बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, और ये कुछ मुझे इवेल्युएट करना है। एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, क्या कि देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, साइन बी निकालना है, बी आपका एक्यूट एंगल है, कॉस सी निकालना है, सी आपका एक्यूट एंगल है, लेकिन यहां एक ही क्वेश्चन में बी और सी दोनों दे दिए। तो ध्यान रखिएगा, जब आप साइन बी निकाल रहे हो तो बी को एक्यूट एंगल मान के सॉल्व करेंगे, और जब साइन सी निकाल रहे हो तो सी को एक्यूट एंगल मान के सॉल्व करेंगे, और दोनों वैल्यूज को एड करेंगे, ऐसी कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इस राइट ट्राइंगल की तीसरी साइड निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले मुझे करना क्या है, दिक्कत क्या है,
बी भी आपको एक्यूट एंगल दिया है इसी क्वेश्चन में और सी भी आपको एक्यूट एंगल दिया है इसी क्वेश्चन में, तो क्या कर सकते हो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, दो ट्राइंगल बना लो। इससे आपसे क्या है, कभी कंफ्यूजन और आपसे गलती नहीं होगा। होगा क्या, जब मैं बात करूंगा कि मैं बी के अलोंग निकाल रहा हूं, तो चलो मैं इसको मान लेता हूं मेन एंगल अपने एक्यूट बी, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। लेकिन ध्यान रखो, जब मैं अलोंग सी निकाल रहा हूं, तो अब सी तो इस तरफ है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका मेन एंगल है एक्यूट, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के अलोंग हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड बेस। हमेशा ध्यान रखना है, राइट ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल दिया होता है उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड बेस। देखो किस तरह से, पहले तीसरी साइड निकालते हैं, 6 है 10 है, पहले ए सी निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी और सी, तो पाइथागोरस लगाते हैं हाइपोटेन्यूज के लॉन्ग, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी अपने को गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर। ए बी गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर। और ए सी निकालनी है, ये हो गया 100, इसको इधर ले आइए, माइनस का 36 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 64 अंडर रूट, ये आ गया ए सी। भाई यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, कितना आ गया ए सी, 64 का रूट आ गया 8, तो ये लीजिए ए सी आ गया 8। उस हिसाब से वैल्यूज तो यहां पर भी रहेंगी 8, 6 और 10, लेकिन ये यूज किस तरह से होंगी बस वो देखते हैं। अब सबसे पहले अगर मुझे साइन बी निकालना है, तो याद रखिएगा बी मेरा मेन एक्यूट एंगल है, और मेन एक्यूट एंगल बी मैंने इसको माना है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। निमोनिक क्या बताया मैंने शुरू में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उसको हमेशा याद रखना, ठीक है। उस नियम के हिसाब से साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एसी, एंड व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज बीसी। वैल्यू क्या है एसी की, 8, और हाइपोटेन्यूज की 10, काट लीजिए 2 4 8 2 5 10, फिनिश हो गया। लेकिन जब आप कॉस सी निकालोगे, तो ध्यान रखना सी आपका मेन एक्यूट एंगल है, तो सी आपका मेन एक्यूट एंगल मैंने सेकंड ट्रायंगल में लिया है। अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल को नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर बी मेन एक्यूट एंगल है। तो यही चीज का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपको दो एक्यूट एंगल एक ही क्वेश्चन में दिए हो, तो दो ट्रायंगल बना लो, एक में एक एंगल को एक्यूट मान लो और दूसरे ट्रायंगल में दूसरे के एक्यूट मान लो। तो अब मैं सी के अलोंग निकाल रहा हूं ना, तो मेरा एक्यूट एंगल सी यहां पर मेन एंगल है, तो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड बेस। और कॉस क्या होता है निमोनिक के हिसाब से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज माय बेस, सेकंड ट्रायंगल में देखो बेस इज एसी एंड हाइपोटेन्यूज इज बीसी, और ये हो गया मेरे पास 8 और बीसी हो गया मेरे पास 10, तो 2 4 8 और 2 5 10, ये लीजिए इसका आंसर भी आ गया। नाउ साइन बी प्लस साइन सी, तो ध्यान रखिएगा जब साइन बी निकाल रहे हो तो इस ट्रायंगल को देखेंगे, और जब सेकंड साइन सी निकाल रहे हो तो फिर इस ट्रायंगल को देखेंगे, और दोनों को आपस में मैच नहीं करना, ये बिल्कुल अलग है ये बिल्कुल अलग है। एक में साइन ऑफ एंगल बी और एक में साइन ऑफ एंगल सी, मतलब बी आपका मेन एक्यूट एंगल और दूसरे में सी आपका मेन एक्यूट एंगल। तो पहले बी की बात करें, साइन बी, वैसे साइन बी हम डायरेक्टली निकाल चुके हैं, डायरेक्ट पहले रख देते हैं 4/5। साइन सी नहीं निकाला तो ठीक है, अब अगर सी निकाल रहे हैं ना मेन एंगल आपका, अब मेन एंगल सी है ना इस बार, तो दूसरा ट्रायंगल देखना पड़ेगा। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, ए बी, ए बी का वैल्यू है 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि है बी सी, वैल्यू है 10। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 10 एलसीएम आ गया, तो 5 2 10 इंटू ऊपर वाला नंबर, दूसरा 10 1 10 और इंटू ऊपर वाला नंबर, कितना आ गया 4 2 8 प्लस 6 10 दैट इज इक्वल टू 14/10। कैंसिल आउट कर लीजिए 2 7 14 2 5 10, आंसर कितना आया, आंसर आ गया 7/5। अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, साइन बी कॉस सी और साइन सी कॉस बी। तो जब बी बोलेंगे तो ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, और जब सी बोलेंगे तो नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे। तो चलो साइन बी, चलिए ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, ए सी, तो वैल्यू है 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज 10 इंटू कॉस सी, सी है ना नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 10 प्लस साइन सी, नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, और साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर जो कि है 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि है आपकी
10 इंटू कॉस बी, बी ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 10। तो ये ध्यान रखिएगा, सी लेने के लिए नीचे वाला ट्राइंगल आपका मेन एक्यूट एंगल और बी लेते समय ऊपर वाला मेन एक्यूट एंगल, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 अपॉन 100 प्लस 36 अपॉन 100, बेस सेम है एक बार लिख दिया जाएगा और ऊपर का टर्म एज इट इज सेम साइन के साथ यहां पर आ जाएगा, ये हो गया 100 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 1। ये लीजिए फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी है, एक शानदार क्वेश्चन है, टफ लेवल का। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो मुझे फिर लगता नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन फिर फंसेगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हाँ आपको भी और प्रैक्टिस की जरूरत है अभी। अब ट्रायंगल किस तरह से है, देखो दो राइट ट्रायंगल ढूंढते हैं, एक तो दिया है मुझे देखो ए डी बी और ए डी सी, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं ना, तो सिर्फ राइट ट्रायंगल से जुड़ी ही बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल ही नहीं है तो पक्की बात कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल के रेशियोज को ही यूज करना जानते हैं। अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। चलिए अब आते हैं एंगल एक्स और एंगल वाई, मतलब आपका इस बार एक्स एक बार एक्यूट एंगल है और एक बार वाई आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, दोनों ट्रायंगलों को अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ए डी बी, जिसमें आपका मेन एक्यूट एंगल वाई है, दूसरा ट्रायंगल वो इस तरह से है जिसमें जो आपका मेन एक्यूट एंगल है वो एक्स यहां पर है, ठीक है। अब हमारे लिए नियम क्या रह गया कि ये जो राइट ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड मुझे जरूर पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या पता है अपने को। अपने को एसी पता है, अपने को एसी पता है, अपने को पूरा बीसी पता है, लेकिन इस बीसी की जरूरत नहीं है क्योंकि बीसी हमारे पूरे राइट ट्रायंगल की साइड है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात, सीडी अपने पास 5 है ना, तो इस पूरे बीसी में से सीडी माइनस कर देता हूं, तो 21 में से अगर 5 माइनस करूंगा तो कितना रह जाएगा, 16 रह जाएगा, जो कि बीडी का वैल्यू है। ये लीजिए 16 यहां आ गया। और कौन सा साइड गिवन है, नहीं मुझे और कोई साइड गिवन नहीं है। तो देखो एक काम करते हैं, एडी एडी दोनों में कॉमन है ना, तो एडी से पहले एडी निकाल लेते हैं जो दोनों ट्राइंगल की साइड हो जाएगी। तो चलो ट्राइंगल लेते हैं ए डी सी, ये यहां देख लो ए डी सी, और ये आपको राइट ट्राइंगल दिया है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले एडी निकालते हैं। चलिए देखिए इन ट्राइंगल ए डी सी, तो राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस सी डी जो कि है 5, तो 5 का स्क्वायर ये हो गया 169 माइनस का 25 इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर, ये हो गया 144, स्क्वायर हटाइए रूट लग गया एडी, और एडी का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया अपने पास, ठीक है। एडी यहां पर भी है तो ये भी 12, और एडी यहां पर भी है तो ये भी 12। तो देखो नीचे वाले ट्रायंगल में तो तीनों साइड मौजूद है, लेकिन इस ट्रायंगल में अभी ए बी साइड नहीं है मेरे पास, तो ये भी तो एक राइट ट्रायंगल ही है ये देखो। तो ठीक है पहले यहां पर पाइथागोरस लगाते हैं और ए बी साइड निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखना जब तक ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास नहीं होंगी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को प्रॉपरली नहीं निकाल पाओगे। अब लगाते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम और तीसरी साइड निकालते हैं। चलिए तो इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिएगा पाइथागोरस लगाते समय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर बेस का स्क्वायर पहले लिख दो या परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एड में है ना, तो एडिशन में आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ए बी का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ट्राइंगल ऊपर वाला लिया है तो ए बी तो अपने पास है ही नहीं, तो ए बी का स्क्वायर रह गया। ए डी 12, तो 12 का स्क्वायर, और बी डी 16, तो 16 का स्क्वायर, तो 144 हो गया 12 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये जोड़िए 10 हो गया, ये फिर 10 हो गया, और ये 4 हो गया, तो ए बी करूंगा तो रूट आ जाएगा, और ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया 20। अब देखिए मेरे पास ये ट्राइंगल जिसमें वाई एक्यूट एंगल है तीनों साइड मौजूद है, फिर ये ट्राइंगल जिसमें एक्स मेरा एक्यूट एंगल है तीनों साइड मौजूद है। बस अब करना क्या है, अब सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले टेन एक्स, तो वो ट्राइंगल लेना है जिसमें एक्स आपका मेन एक्यूट एंगल है, तो एक्स आपका मेन एंगल यहां पर है, ध्यान रखिएगा सिर्फ नीचे वाला ट्राइंगल ही ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और जो मेन एक्यूट एंगल लेते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड कितना बेस, तो है 10x। अब 10 क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो अगर तोले का आप रिलेशन देखोगे तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो चेक करो यहां पर tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास 5 अपॉन बेस AD जो कि है 12, ये लीजिए tan x आ गया। cos y, अब cos y याद रखिए अब वो आपको ट्रायंगल है जिसमें y आपका मेन एक्यूट एंगल है, तो y मेन एक्यूट एंगल यहां पर है और निकाल क्या रहे हैं cos, तो cos का रिलेशन क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज माय बेस, तो लिख देते हैं पहले, मेन एंगल के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस, तो cos निकाल रहे हैं, cos था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज BD 16 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 20, कैंसिल आउट कीजिए 2 8 16 2 10 20 2 4 8 और 2 5 10, तो cos y का रेशियो आ गया 4/5। नेक्स्ट है देखो cosec square y माइनस cot square y, y मतलब लेना तो आपको ये रिलेशन है ठीक है, cosec square y, अब cosec sin का रिवर्स होता है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि आप sin के रेशियो को रिवर्स कर दो या फिर sin के रेशियो निकाल के उसको रिवर्स कर दो, दोनों एक ही चीज होता है ठीक है। तो मैं क्या करता हूं cosec sin का रिवर्स, तो sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो चेक करो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज 20 अपॉन परपेंडिकुलर जो कि है 12, स्क्वायर लग रहा ना आप भी लगा दो, माइनस कॉट वाई, कॉट टेन का रिवर्स होता है, टेन होता है पी बाई बी, रिवर्स हो गया बी बाई पी, तो बी बी हो गया आपका 16 बाय पी, पी हो गया, पी हो गया आपके पास 12, स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा दीजिए 400 अपॉन 144 माइनस 256 अपॉन 144, एलसीएम लेना है लेकिन बेस तो सेम है, एक बार डायरेक्टली कॉपी कर दीजिए और ये वाला टर्म एज इट इज 400 माइनस का 256 कैंसिल आउट करें कितना आएगा 144 अपॉन 144 पूरा कैंसिल आउट होके 1 आ गया। चलिए आखिरी पार्ट करते हैं, अब आखिरी पार्ट में x भी मौजूद है y भी मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब x की बात करेगा तो ये वाला ट्रायंगल देख लेंगे और जब y की बात करेगा तो ये वाला ट्रायंगल देख लेंगे। चलिए तो पहले x की बात करते हैं, तो 5 अपॉन sin x, ओके x ट्रायंगल ये देखना है और sin क्या होता है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5, तो 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 3 अपॉन sin y, y के लिए ट्रायंगल ये है, sin के रेशियो सेम है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12 अपॉन 20 माइनस 3 cot y, ट्रायंगल तो ये लेना पड़ेगा 3 बाहर आ गया, cot y, cot होता है 10 का उल्टा, 10 होता है p by b, रिवर्स कर दीजिए b by p, तो b मतलब बेस, बेस इज 16 by p, p इज 12, ये लीजिए बस अब सॉल्व करना रहेगा, तो 13 ऊपर चला जाएगा इस तरह से, फिर 3 20 ऊपर चला जाएगा इस तरह से, माइनस ये कैंसिल आउट कर लेते हैं 3 4 जा 12, फिर ये 4 4 जा 16, तो 4 रह गया, यहां भी काफी कुछ कैंसिल आउट होगा, ये भी कट गया 13 प्लस 3 4 जा 12 4 5 जा 20 5 माइनस का 4 ये हो गया 13 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 14। बिल्कुल इसी तरह से आप हर रेशियो को निकाल सकते हैं, बस ध्यान इस चीज पर रखना है कि आपका मेन एक्यूट एंगल कौन सा है, जो मेन एक्यूट एंगल हो उसके सामने रखिएगा परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने रखिएगा हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड को बेस, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट पूरे हुए। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स क्विज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।